अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोनार्च की जूसर। दोस्तों ये मोनार्च की टर्बो जूसर है, ये आप देख सकते हैं मोनार्च टर्बो जूसर, यानी कि ये टर्बो के अंदर है। जिस तरह आपने पहले सुना होगा गाड़ी वगैरह के अंदर, ट्रक वगैरह के अंदर टर्बो आता है, अब ये जूसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनार्च ने ही निकाला है ये वाला मॉडल। और ये 400 वाट है, यानी कि जैसे ही टर्बो लगता है तो उसकी जो पावर होती है वो डबल हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये 400 है, ये 800 वाट का काम करती है। और ये टर्बो इसीलिए इसको लगाया गया है ताकि ये कमर्शियल भी यूज हो सके। और दूसरे नंबर के ऊपर 100% कॉपर है। फिर इसकी एक साल की वारंटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंपनी रिपेयर करके देगी आपको एक साल के अंदर अंदर। फिर उसके बाद हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ये देख लें इसके फीचर वगैरह इधर उन्होंने लिखे गए हैं। इधर देखें फ्रंट दोबारा आ गया, फिर ये फीचर आ गए। चलें इसको अनबॉक्स करते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ अनबॉक्स करके। माशाल्लाह ये पैकिंग देखें, पैकिंग उन्होंने इस हिसाब से की है कि यूजर वगैरह कहीं गिर गिरा भी जाए पैकिंग के अंदर तो इसको कुछ ना हो। ये इसकी वारंटी कार्ड आ गया, इसका वारंटी कार्ड और बुक, इसको यूज करने का तरीका इसके अंदर, वो उन्होंने इसके अंदर बुक सेपरेट उन्होंने दी है, सेपरेट भी दी है। और इसके ऊपर ये प्लास्टिक भी दिया ताकि ये पानी के अंदर भी गिर जाए तो बुक वगैरह कोई भी चीज खराब ना हो। यूजर के ऊपर भी आप देखें किस तरह उन्होंने पैकिंग दी है। ये देखें ये हमारी यूसर आ गई, इसको हम खोलेंगे। पहले नंबर पे ये देखें इधर भी लिखा हुआ मोनार्च टर्बो यूसर, इधर उन्होंने पहली बार स्टैंप दिया गया है। दूसरे नंबर पे ये स्टेनलेस स्टील है, यानी कि अक्सर जो यूसर वगैरह आती हैं उनका ये कंप्लेन आती है वो नीचे से जो बेस होती है उसकी वो खराब होना गलना शुरू हो जाती है एक टाइम और एक मुद्दत के बाद। और दूसरे नंबर पे जैसे ही आप उसके ऊपर जग वगैरह या कोई भी डब्बी या मसाले वाली वो रखती हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, आगे पीछे जाना शुरू हो जाती है। इस जूसर की ये खासियत है, एक तो चलेगी तेज और दूसरे नंबर पे ये वाइब्रेट नहीं करेगी। ये देखिए पांव इसके देखिए आप, ठीक है। फिर इसके नीचे पंखा दिया गया है ताकि मोटर को, क्योंकि मोटर इतनी हैवी है मोटर स्पीड से चलेगी और नॉइसलेस भी है ताकि मोटर को ठंडा रखा जा सके। उन्होंने इस हिसाब से इसको डिजाइन भी किया गया है। अभी मैं आपको खोल के इसके ब्लेड वगैरह चेक करवाता हूँ। ये आगे जग आप गाजर का जूस, सेब का जूस निकाल सकते हैं इससे। ये देखें ये इसकी आगे ये ब्लेड इसके, यानी कि इधर से आप निकाल के इसको आसानी ली साफ कर सकते हैं। जो इसका जूस है वो इधर से निकलेगा, ये देखें जूस इधर से निकलेगा, जो गंद फूस वगैरह होगा वो इसके अंदर चला जाएगा, ये इस जग के अंदर, ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा। आप इसको बाद में आसानीली वॉश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसके साथ ये वाला पार्ट इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको इधर रखें जग को, ये देखें इधर रख के आप जूस जो होगा वो इसके अंदर जाएगा, नीचे गिरेगा नहीं। अक्सर ये जो पार्ट्स हैं किसी भी यूजर के साथ मैंने अभी तक नहीं देखे, मैंने काफी सारी यूजरों के रिव्यू किए हैं लेकिन मुझे किसी यूजर का ऐसा नहीं मिला, लेकिन इसके साथ दिया है। फिर दूसरे नंबर पे ये है प्लास्टिक, ठीक है। कुछ प्लास्टिक ऐसे आते हैं, शीशा ग्लास ऐसा आते हैं जिसको ब्रेक यानी कि खराशें वगैरह लगती है, ये अनब्रेकेबल ग्लास है, ये प्लास्टिक है, ये भी और ये ऊपर वाला भी अनब्रेकेबल है, यानी कि इसके ऊपर खराश वगैरह लगेगी तो दिखाई नहीं देगा, अलबत्ता तो लगेगी नहीं, लगेगी तो दिखाई देगा। उसके बाद इसको आसानी लिए आप वॉश कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसके नीचे वाला फूल दिखवाता हूं, ये देखें ये इधर इधर फूल बैठता है, फिर ये नीचे इसका जो टूटी वगैरह दी गई जिससे वो जूस आप रोक सकते हैं निकाल सकते हैं। फिर इसका जो उन्होंने सबसे अच्छी जो बात है उनकी, उन्होंने इसका जूसर का फूल दिया गया, ये देखें फूल को आप आसानी लेकर खुदा ना खास्ता खराब हो जाए आपसे नहीं सही बैठता,
लेडीज इंसान है वो खता का पुतला है, वो नहीं बैठ सकता, तो वो ये खराब हो जाएगा ऊपर वाला। लेकिन ये रिपेयरेबल है, ये आसानीली मार्केट से मिल जाता है, कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है इसका कि वो जो मार्केट से मिलता ही नहीं है, वो इंसान ढूंढता, वो आपकी यूजर बेकार हो जाती है, ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता आप चाहते हैं कि ये मैंने 5 मिनट लगा के यार छोड़ दिया, बच्चे थे, वो लाइट आई तो ये चलता रहा, ऐसा सिस्टम हुआ, तो ये खुद ब खुद गर्म होके ऑफ हो जाएगा, अपनी आपकी जो मोटर है उसको नहीं जलाएगा। इसके अंदर सेफ्टी स्विच है, फिर 2 या 3 मिनट के बाद ये खुद ब खुद गर्म होके ठंडा हो जाएगा, फिर ये ऑन नहीं होगा, फिर आप इसको प्लग निकालेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर प्लग लगाएंगे, तब ये ऑन होगा, वरना अदरवाइज ये ऑन नहीं होगा। ये सेफ्टी स्विच दिए गए। ये देखें आप इसके साथ ये पुदीने वगैरह का, धनिए का आप जूस निकाल सकते हैं, और कोई भी ऐसा जो जूसर, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा वेस्ट पॉइंट का भी जूसर है, लेकिन उसके अंदर ऐसे फीचर नहीं है कि जो आप ये दूसरा यूज कर सके, धनिए वगैरह का जूस या कोई भी इस तरह के जूस आप उसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो फीचर ही नहीं है, वो ब्लेड ही नहीं है इसके अंदर। फिर दूसरे नंबर के इसका जो ब्लेड है वो आसानीली आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। अक्सर आप लोगों ने यूज किए होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि ब्लेड मिलते ही नहीं, ब्लेड तो क्या इसके पार्ट्स नहीं मिलते। और इसी तरह ये अनब्रेकेबल है। फिर इसके बाद इसका जो वाटेज है वो 400 वाट है, ठीक है, आप इसको कमर्शियल के तौर पर भी यूज करें, कुछ नहीं होता। और दूसरे नंबर पे अगर ज्यादा यूज करेंगे, मोटर नहीं आपकी जलाएगा, ठीक है, वो आपकी जो मोटर है उसको सेव रखेगा, तो वो अगर खुदा ना खास्ता वो गर्म हो गई, आपने ज्यादा इसको इस्तेमाल कर लिया, तो वो खुद ब खुद ऑफ कर देगा ये, ठीक है। और ये चलने के अंदर बहुत ही खूबसूरत अच्छा है, और ना इसकी कोई कंप्लेन है, हमें अभी तक तकरीबन 2016 से लेकर अभी तक हमें कोई कंप्लेन नहीं आई। फिर हमें 2 या 3 भाइयों की ये कंप्लेन आई थी कि ये वाली चीज नहीं मिलती, ये भी आपको आसानीली मंगवा दूंगा, मिल जाएगी आपको हमारे साथ। अगर आपको किसी भी जूस का पार्ट्स या कोई रिपेयर करवानी हो, वो भी आपको आसानीली उसके पार्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये देखें इसकी जो केबल है वो देखें, कोई हैवी केबल मोटी नहीं लगाई हुई, एसी वाली केबल नहीं, जिस तरह आम जूसरों की है उसी तरह केबल लगाई हुई है। फिर ये पंचर ट्यूब इन शू इसलिए लगाया गया है ताकि ये अपनी जो ग्रिप है वो मजबूत रख सके, वो अक्सर ग्रिप आते हैं वो शूज लूज ही रहती, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, लेकिन इस तरह का नहीं है इसके अंदर सिस्टम, ये अपना जो प्लग या अपनी ग्रिप ये मजबूत रखता है। तो फिर उसके बाद ये देखें, उन्होंने मोटर के ऊपर भी इसका सारे का सारा सेम टू सेम फीचर दिया गया, इसका मॉडल नंबर दिया गया GF07, ठीक है, और इसका कलर स्टेनलेस स्टील इसका कलर है। फिर पावर इसकी वाट 400 वाट इसकी पावर है, तो इसका जो मॉडल नंबर है वो जो QRB स्कैनर भी इसके ऊपर दिया गया है, किस यूजर के अंदर आता है, किसी यूजर के अंदर QRB स्कैनर नहीं आता, आप इसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं क्या ये यूजर ओरिजिनल है या कॉपी है। इसके अंदर सारे के सारे फीचर दिए गए हैं। तो आप देखते रहे हमारा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।